हेलो फ्रेंड्स, सिंपल वीडियोस इन कुकिंग में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको मूंग दाल के चिल्ले बनाने सिखाऊंगी। मूंग दाल का चिल्ला वैसे तो सबको बनाना आता है और सब नॉन स्टिक तवे पे बनाते हैं, लेकिन आज मैं आपको बगैर नॉन स्टिक तवे के मूंग दाल का चिल्ला लोहे के तवे पे, जो अपन जो सादा तवा यूज करते हैं रोटी बनाने में, उसके ऊपर मैं आपको मूंग दाल का चिल्ला बनाना सिखाऊंगी। तो इसके लिए हमें चाहिए मूंग की दाल। ये मैंने 1 कप मूंग की दाल ली थी, इसको मैंने 4 घंटे के लिए भिगोया है और इसको अच्छे से साफ पानी में इसको धो लिया है, अच्छे से बिल्कुल साफ मैंने इसको धो के साफ कर लिया है। और हमें चाहिए नमक। नमक हम 1/2 चम्मच लेंगे, ये लाल मिर्च 1/2 चम्मच, ये हींग हम 1/2 चम्मच लेंगे, ये 2 मैंने हरी मिर्च ली है जिसको मैं दाल के साथ पीसूंगी, और ये तेल चिल्ला सेकने के लिए। हमें इसमें ये हरी मिर्च डाल लूंगी दाल में, ये लाल मिर्च, ये नमक 1/2 चम्मच, या आप स्वाद अनुसार नमक ले सकते हैं। अगर आप ज़्यादा नमक खाना पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। ये हींग में 1/2 से थोड़ा कम चम्मच ले रही हूँ हींग से। मूंग के दाल का जो चिल्ला होता है उसको पचने में आसानी होती है और खाने में भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इसके अंदर में 1 चम्मच पानी डाल रही हूँ, और पानी हम बाद में डालेंगे जब अगर ज़रूरत होगी उस हिसाब से हम पानी डालेंगे। और इसको हम पीस के एक बारीक पेस्ट बना लेंगे, मिक्सी में पीस के इसको बारीक पेस्ट बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने जो दाल का जो पेस्ट बना के तैयार कर लिया है, ये देखिए इस तरह का हमारा पेस्ट होगा। ये देखिए, अब हम इसको किसी बर्तन में निकाल लेंगे। इसको बारीक पेस्ट करना है। ये देखिए, इस तरह का गोल हमारा होना चाहिए, जो चमचे से गिराने पे इस तरह से गिर जाए। हमारा जो गोल है वो बिल्कुल चिल्ला बनाने के लिए तैयार है। तो आइए अब हम हमारा चिल्ला बनाना स्टार्ट करते हैं। लीजिए फ्रेंड्स, हम हमारी गैस ऑन करते हैं। अब हम मीडियम गैस करेंगे इस तरह से। ये देखिए, अब हम मीडियम गैस में हमारा जो लोहे का तवा है उसको गरम करेंगे, उसको गरम होने देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा तवा गरम हो गया है। हम इस तरह से हाथ लगाएंगे तो हीट आ रही है इस पर। अब हम इस पर इस तरह से चम्मच से तेल लगाएंगे, ऐसे पूरे पूरे तवे पे हम इस तरह से तेल लगा देंगे। हमने तेल लगा दिया है। अब हम हमारी जो गैस है उसको बिल्कुल कम कर देंगे, बिल्कुल लो। ये देखिए, पूरी मैंने इसको कम कर दी है। अब हम इस पर चिल्ला डालेंगे। चिल्ला डालते समय आपको गैस को बिल्कुल कम कर देनी है। इस तरह से हम गोल में से थोड़ा सा गोल उड़ लेंगे चम्मच में, इस तरह से डालेंगे और हल्के हल्के हाथों से इसको फैलाएंगे। इस तरह से हम इसको फैलाएंगे। आप चिल्ला जितना मोटा पतला जितना भी आप अगर करना चाहते हैं वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने चिल्ला फैला दिया है। अब हम गैस को मीडियम कर देंगे, तेज नहीं करेंगे, मीडियम करेंगे। जिस पे हमने तवे को गर्म किया था उस तरह से हम इसको कर देंगे। और इस तरह हम इस पे तेल डालेंगे साइड में, और थोड़ा सा तेल हम इसके ऊपर डालेंगे, और जैसे ही इसका कलर चेंज होगा ऊपर का, हम इसको पलट देंगे। कि देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो चिल्ला है उसका ऊपर का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसको पलटेंगे इस तरह से, चाकू से मैंने इसको उतारना है। कि देखिए, ये बहुत आसानी से उतर जाता है, जैसे नॉन स्टिक पे उतरेगा वैसे। बस आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी है।
इसको मीडियम गैस पे तो गरम करना है, फिर इसके तेल लगाना है, फिर इसको बिल्कुल कम करके और फिर हमें चीला फैलाना है। अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो आप लोहे की तवे पे भी नॉन स्टिक जैसा मूंग दाल का चिल्ला बना सकते हैं। बस इसमें एक जो चिल्ला बनाएंगे उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बाकी जब आप चिल्ला बनाएंगे तो बहुत अच्छा चिल्ला बनेगा। ये देखिए हमारा चिल्ला सिक गया है। अब हम गैस मीडियम करेंगे, मीडियम गैस है हमारी, मीडियम गैस पे आपको चिल्ला सेकना है। अब इस तरह इधर से सिक जाएगा तब हम इसको उतार लेंगे और दूसरा चिल्ला सेकेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा जो चिल्ला है वो दोनों साइड से सिक के तैयार हो गया है, ये देखिए। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे और हमारा दूसरा चिल्ला सेकेंगे और गैस कम कर देंगे। इस तरह से प्लेट में निकाल देंगे और जो तवे पे थोड़ा एक्स्ट्रा जो दाल का जो घोल लगा हुआ है उसको साफ कर देंगे। अब इस पे तेल डालने की भी आवश्यकता नहीं है, जैसे नॉन स्टिक पे हम तेल डालते हैं बार बार, इस पे सिर्फ एक बार ही तेल डालना है। अब हम बिल्कुल गैस को कम कर देंगे, थोड़ा सा घोल लेके बिल्कुल हल्के हाथों से फैलाएंगे इस तरह सा। बस थोड़े जो फर्स्ट जो चिल्ला होगा उसमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी जो चिल्ले बनेंगे वो बहुत ही अच्छे बनेंगे। और अगर आप सावधानी से बनाएंगे तो जो पहला चिल्ला है वो भी अच्छा बनेगा। गैस हम मीडियम कर देंगे और इस पे हम इस तरह से तेल डालेंगे और एक चिल्ले में मैं सिर्फ आधा चम्मच तेल यूज़ कर रही हूँ, मैं ज़्यादा तेल भी यूज़ नहीं कर रही हूँ। अब जब ये नीचे से सीखेगा तो हम इसको भी उसी चिल्ले की तरह पलट दें। देखिए फ्रेंड्स हमारे चिल्ले का हल्का सा कलर चेंज हो गया है। अब हम इसको चाकू की मदद से, आप इसको कलछी की सहायता से भी कर सकते हैं लेकिन मैं इसे चाकू चाकू की मदद से ही सेकती हूँ। अब देखिए इस तरह से उतार देंगे इसको। ये देखो अब ये जो दूसरा चिल्ला है कितने आराम से उतर रहा है, जैसे नॉन स्टिक तवे पे उतरता है उसी तरह से। ये देखिए बस जो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि जो पहला जो चिल्ला होगा उसमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी चिल्ले में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम इस तरह से इसको पलट देंगे। ये देखिए कितना अच्छा चिल्ला सिक के आया है। अब हम इसको इस साइड से भी सेक लेंगे और फिर इसको प्लेट में निकालेंगे। इसी तरह से हम सारे चिल्ले सेकेंगे। और अगर आपको मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और अगर मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। इस तरह से हम पलट पलट के सेक लेंगे ऐसे घुमा घुमा के, और गैस मीडियम रखनी है। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा दूसरा चिल्ला भी सिक के तैयार हो गया है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से, इसी तरह से हम सारे चिल्ले बनाएंगे। लीजिए फ्रेंड्स हमारा मूंग दाल का चिल्ला बनके तैयार हो गया है, वो भी नॉन स्टिक तवे के बिना। मैंने ये चिल्ला है वो लोहे की तवे पे बनाया है, ये बिल्कुल नॉन स्टिक तवे की जैसे बनाए। देखिए कितनी अच्छी सिकाई भी हुई है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और आप इसे बनाइए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनमें शेयर कीजिए। थैंक यू।